स्ट्रिप पूरी की पूरी जल गई है। कैमरे में नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रिप पूरी हमारी जल गई है। नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलईडी ट्यूबलाइट बल्ब के सर्किट से चलाकर दिखाएंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है, कभी कभी एलईडी ट्यूबलाइट का सर्किट ठीक नहीं होता। हमारी ये ट्यूबलाइट का सर्किट होता है, इसको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। ट्यूबलाइट वाला सर्किट काम नहीं करता है या ठीक नहीं हो पाता है, तो हम एलईडी वाले बल्ब के सर्किट से ट्यूबलाइट जलाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ये हमारे एलईडी बल्ब के सर्किट हैं और ये हमारे एलईडी बल्ब के सर्किट हैं और जो हमारे ये एलईडी बल्ब हैं, एलईडी बल्ब की स्ट्रिप खराब हो गई हो जिसमें एलईडी लगी हुई हो और ये हमारे एलईडी सर्किट सही हो, तो ये हम एलईडी सर्किट इस ट्यूबलाइट में लगा सकते हैं, इस ट्यूबलाइट की रिपेयर कर सकते हैं। तो ज्यादातर एलईडी ट्यूबलाइट का सर्किट ही खराब होता है और इसमें हमारी एलईडी सर्किट भी खराब हो जाता है, एलईडी जो हमारी स्ट्रिप है ये भी खराब हो जाती है। जोन सा भी इसमें सही हो, यदि हमारी ये वाली सप्लाई सही है तो हम इसमें लगा सकते हैं। स्ट्रिप आपको ठीक करके दिखानी है। ये देखिए, ये हमारी ट्यूबलाइट है, ये कैमरे में नहीं आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा आगे तक दिखा देता हूँ। और ये चलो, अब मैं इसको सर्किट को निकाल के दिखा देता हूँ, स्ट्रिप को कैसे निकालते हैं। देखिए, इसमें साइड में एक लॉक होता है, लॉक दबाकर साइड से इसको निकाल लेते हैं और स्ट्रिप को खींच लेते हैं। इस वाली की निकाल लेते हैं, ये खुला हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारी एलईडी है। तो पहले हम सर्किट निकाल लेते हैं। ये हमारा स्ट्रिप को हमें हल्के हाथ से खींचना है जिससे इसकी एलईडी बल्ब खराब ना हो जाए, स्ट्रिप ये बैंड ना हो जाए। इसके बाद स्ट्रिप को हम, ये हमने निकाल ली है, ये देखिए पूरी स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप देखिए कितनी बहुत लंबी ये स्ट्रिप है। सर्किट को बाद में रिपेयर करेंगे, ठीक हो सकता है तो हम आपको इस सर्किट से ये स्ट्रिप जलाकर दिखाएंगे। ये हमारी एलईडी स्ट्रिप है, इसको हम एक साइड में रख देते हैं। एलईडी वाला सर्किट ध्यान से देख लीजिए, ये इनपुट है, ये ब्रिज है, ये आईसी है, ये डायोड है और ये एसएमडी हमारे कंपोनेंट है। ये हमारे इस साइड में लगे हुए हैं। तो हम इसके सर्किट के कनेक्शन यहाँ कर लेते हैं। देखिए, हमने ये दो वायर इस पे लगाए हुए हैं, इस पर यहाँ स्ट्रिप पर निशान लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ ये ब्लैक वाला वायर लगाना है और पॉजिटिव पर ये रेड वाला वायर लगाना है। तो ऐसे हम इसके यहाँ इसको जोड़ेंगे और यहाँ हमें इनपुट सप्लाई इसको देनी है। इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये भी मैंने बताया है, ये मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे हम रेड लगाते हैं। ये पॉजिटिव पर हम इसको ऐसे रेड लगा लेते हैं और ये मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव पर हम ये ब्लैक लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ इसके कनेक्शन कर दिए हैं। स्ट्रिप लंबी है और थोड़ा सा ये सर्किट मेरा बड़ा हो रहा है। कनेक्शन हमने कर दिए हैं, अब हम इसको यहाँ को एसी इनपुट दे देते हैं। इतनी अच्छी ये हमारी स्ट्रिप जल गई है, देखिए मेरे कैमरे में नहीं आ रही है, तो यहां तक ये पूरी पूरी मेरी स्ट्रिप जल रही है। तो ये देखिए, यदि हम इस स्ट्रिप में 9 वाट एलईडी बल्ब का सर्किट लगाएंगे तो एलईडी हमारी ये कम जलेंगी, 11 का जलाएंगे तो और ज्यादा जलेगी, और 15-16 वाट का सर्किट इसमें लगाएंगे तो एलईडी हमारी पूरी ग्लो होगी, जैसे ये मेरी पूरी ग्लो हो रही है। तो आप सर्किट में काफी पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये अब हमारी एलईडी ट्यूबलाइट रिपेयर करना बहुत आसान हो गया है। इस तरह आप अपने
एलईडी सर्किट में एलईडी रिपेयर कर काफी पैसे बचा सकते हैं। हम एक बार और आपको जला के दिखा देते हैं, ये देखिए ये हमने लगा दिया है, तो ये हमारी स्ट्रिप पूरी की पूरी जल गई है। कैमरे में नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रिप पूरी हमारी जल गई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय